देख रहे हो दोस्तों कैसे संघर्ष करना पड़ता है और नागौर मेले में, और जो किसान आते हैं बहुत इनको संघर्ष करना पड़ता है, और बेल लेके आए हैं और बहुत ही अच्छे से ये बेल लेके आए। नमस्ते काका। नमस्ते साहब। क्या नाम है आपका? सुखराम। सुखराम कहाँ से आए हो? जाहिल तहसील। जाहिल तहसील। कता बेल ले आए हो चाचा? मैं बेल ले आयो 18। 18 बेल ले। काई कीमत तो काई कीमत तक है बेल? कीमत तो कोई 10,000 की, कोई 15,000 की। अच्छा, इतने वाजिब दाम को, वाजिब दामों में बेल है। 50,000 का। अच्छा, अलग अलग दामों पे बेल है आपके पास। ये रोटी सब्जी बना रहे हो अभी सुबह का टाइम है? हाँ। तो क्या क्या सब्जी बनाते हो जैसे आप? सब्जी बनावा हरी मिर्ची जी, टमाटर है। अच्छा, और बाजरे की रोटी, और इसके साथ क्या क्या स्वाद जो है अच्छा लगता है वो बताइए। कोई दही, दूध, घी। घी 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 पालक पनीर। अच्छा अच्छा, पालक भी बोलिया बोतल जा रही। और इसमें अभी क्या बना रहे होता हूँ? हरी मिर्ची बना हुआ सा। हरी मिर्ची। अच्छा अच्छा, तो ताऊ जरा अपने एक आध बेल के बारे में बताओगे, क्या क्या कीमत के बेल है आपके पास? बेल है कोई 10 का है, कोई 20 का है, कोई 15 का। वहाँ चल के बताओगे क्या कौन कौन से बेल है, उनकी क्या खासियत है, कितने कितने रुपए के हैं? ये इनकी जो है यहाँ की रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था जो बेल के जो किसान हैं वो आपको बताएंगे, और रहने की जो व्यवस्था है वो यही है, इन जो है यहाँ रहते हैं ये। और बेलों की, नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये बेल की क्या प्राइस है? झूल जरा हटा लीजिए, अपने घर की गाय के हैं क्या ये? तो इसकी क्या प्राइस है? इसका 50,000। 50,000। और ये वाला? इसका 60। इसके 60,000। खोलो जरा झूल, ये झूल सर्दी नहीं मरे। तो ये आपने ही बनाया क्या ये वाला झूल? हाँ आपने ही बनाया। तो किसका होता है ये झूल? ये बोरी का। बोरी का, इससे बहुत गर्मी रहती होगी। अच्छा, ये बांधने का तरीका भी, अब ये ना किसकेगी ना हटेगी इससे। हाँ। ये देखो कैसे किस तरह से बांधा रहता है, इसे इसे चौड़ा करिए। जैसे दो बोरियों से बनता है क्या ये? हाँ, ये दो बोरी से। दो बोरियों से बनता है ये झूल। हाँ। और ये गद्दी अंदर चली जाती है ना? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पड़ता है इसे। ये ऊपर वाला, तो इससे सर्दी बहुत कम लगती है। हाँ। ये दोनों ही बेल है अपने। इसकी क्या कीमत बताई थी आपने? 60,000। तो ऐसी क्या जो है ये कैसे लगाते हैं? नाक से मूरी जो होती है वो लगाते हैं, वो मूंग आती है ना, मूंग से लगाते हैं। तो ये छेद करना पड़ता है अंदर, छेद करके फिर लगाते हैं मूरी। तो दर्द नहीं होता भाई साहब? नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं होता। अपना कान बीनते दर्द होता है क्या? अच्छा अच्छा, दर्द होता है बस। और क्या खासियत होती है नागौरी बेलों में? कौन सी? ये वाली नीचे वाली गाची नीचे आती है ना, ये जालड़ी नहीं होती। और ये तुल गाचा होता है, गुप्पाल गाचा होता है। गुप्पाल कौन सा है? ये वाला है ना, ये वाला गुप्पाल। अच्छा होना, कान मुंह पूरा फूट रहा होना, मुंह गोल, मतलब एक अच्छे ही तरीके से। और क्या खासियत होती है? और तो ये नागौरी नस्ल का है, गाय होती है देसी गाय। तो क्या दूध की मात्रा क्या होती है नागौरी जो नस्ल की जो गायें होती हैं उनमें होती है? वो अमेरिकन आती है, तो अमेरिकन नहीं, अपन बात कर रहे हैं केवल और केवल नागौरी। वो नागौरी भी होता है, वो दूध अच्छा होता है उसका। नहीं, कितना होता है उसका दूध? उसका होता है 5-6 किलो। 5-6 किलो अच्छी अच्छी हो जाता है, 5-6 किलो अच्छा हो जाता है। अच्छी गाय होती है, 5 किलो तभी हष्ट पुष्ट बन पाते इतने, है ना? अच्छा अच्छा, तो ये फोर सेल के लिए और कितने बेल है आपके पास? ये वाला पूरा अपना ही है। ये वाला पूरा है आपका? ये तो
कीमत 50,000 के आसपास, 20,000 से लेके 50,000 तक की कीमत है। तो आपके कॉन्टेक्ट नंबर एक बार फिर से बता दीजिए ताकि हमारे जो व्यूअर्स है वो आपको संपर्क करना चाहे। आइए तब तक वो बेल देखते हैं उधर वाले की भाई। ये वाला की, ये वाला की 6 महीने की, 6 महीने का है। इसकी क्या कीमत रहेगी? 15,000। ये माँ का दूध कम पिया क्या, ऐसे कमजोर कैसे? ये थोड़ा सा रीस का आकरा है। अच्छा अच्छा, स्वभाव इसका सही नहीं है, खान पान अच्छे से नहीं खाता ये, इसीलिए गुस्सा तेज आता है क्या इसको, तभी कमजोर है। गुस्सेल पर्वती का है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है इसकी कहानी। बात करेंगे इन दो बच्चों की, तो इन दो बच्चों पे आइए आप। ये वाले दो बच्चे, ये क्या प्राइस पे हैं? ये भी दोनों बीस हज़ार के, एक 20,000, दोनों 10,000 के। बहुत अच्छी प्राइस पे आप सेल कर रहे हो, छोटे इसीलिए हैं। क्या यहाँ और क्या समस्या होती है आपको नागौरी बैल पालने में? समस्या का क्या होती है तो चारे वारे की रहता है? चारे की नहीं रहता है, वो चारे के तो गांव लेके आते हैं। अच्छा, सारी व्यवस्था सब अच्छी है यहाँ की? वो बोरा बड़ा है। अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ पालने में जैसे पंजाब वाले बैल हेल्दी रहते हैं, ये बैल अनहेल्दी रहते हैं? नहीं, इसमें तो ये होता है गाय का दूध और गुड़ और बाजरे का आटा, उसको गिरोल के देते हैं, वो अच्छा रहता है। हड्डी मजबूत होती है, नागौरी बैल की हड्डी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इससे फेमस रहता है। और काम करने की क्षमता? काम करने का तो ये, वो कोई तो मकान का काम करते हैं और कोई गाड़ी का ड्राइवरी का काम करते हैं। नहीं, इस बैल की बात कर रहा हूँ मैं। ये बैल तो वो गाड़े में जुड़ते हैं, गाड़े में जाते हैं, रोड में। अच्छा अच्छा, और क्या काम में लेते हो यहाँ? बस ये फॉर सेल के शौक में और यहाँ ला के बेच देते हो? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और हमारे यूट्यूब खाली कमेटी में जाते हैं, ये खाली दौड़ करते हैं और इसका इनाम मिलते हैं, ये एक देसी घी का पिंपा, ये एक बछड़े को और एक चारा का टौड़ा। कहाँ होती है ये दौड़? पंजाब में होती है। पंजाब में एक देसी घी का पीपा और एक ये चारे की गोनी। हाँ, गोनी और उसका इनाम होता 50,000 60,000 ऐसा। पहले आगे दौड़ में जाएगा उसको इनाम देगी 50,000 लाख रुपए। तो और कहाँ कहाँ होती है दौड़े? ऐसी दौड़ होती है, इसीलिए लेके जाते हैं इनको। अच्छा, रोटी रोटी लाओ, बाजरे की रोटी खिलाओ, क्या कह रहे हो? लाओ लाओ, ये रोटी खिला रहे हो क्या बाजरे की? रोज खिलाते हो क्या? वो एक एक रोटी तो पूरे को देना पड़ता है, हम खाते तो पहले इसको खिला के फिर बाद में। आप खाते हो पहले इनको, आप इनको खिलाते फिर आप खाते हो ना? अभी कितनी कितनी दे रहे हो इनको? एक एक रोटी देते हैं, एक एक रोटी खिलाओ जरा रोटी इसको। अभी खिलाता हूँ। ये कारागार होती है क्या? बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी होती है। इसको भी खिलाओ थोड़ा थोड़ा, इसको भी खिलाओ। हाँ, ये दोनों घर की गाय का है। दोनों जुड़वा है क्या ये? हाँ। जुड़वा हुए? हाँ। अरे वाह, दोनों ही बैल है। हाँ। अच्छा अच्छा, तभी सेम लग रहे हैं बिल्कुल। धन्यवाद आपका, आप आए हमारे YouTube चैनल पे।